वेलकम बैक टू बिजनेस क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अभी अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का जो बीजगणित योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि किसी संधि पर आने वाले धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग की क्या होता है, बराबर होता है। चले अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो बंद परिपथ में लागू होता है, यानी किसी बंद परिपथ के लिए लागू कर सकते हैं। ठीक है, और बंद परिपथ के लिए लागू करने के लिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, लूप का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं, लूप का नियम भी बोलते हैं। तो देखें अब इस किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बस बहुत ही इजी, दोनों जो नियम है बहुत ही इजी है, बस इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है और छोटी छोटी इनकी बस ट्रिक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलेगा कि किसी बंद परिपथ में किसी निश्चित दिशा में चलते हुए तो जो वोल्टाओं का जो पतन होता है, वोल्टाओं का पतन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो वोल्टाओं का पतन से क्या तात्पर्य है, यानी कि उस परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उस पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है और उस प्रतिरोध का मान कितना है। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को यदि हम गुणा कर दें, IR बराबर क्या होता है, V, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टाओं का पतन बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखें आप इस नियम की डेफिनेशन पहले। इस नियम के अनुसार अब आप इनको देखें पहले, किरचॉफ के द्वितीय नियम की डेफिनेशन देखें। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों व सेलों पर युक्त किसी बंद लूप में वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसमें वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और प्रथम नियम में क्या होता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये बात आपको थोड़ी देर हमें रखनी है। ठीक है, तो समेशन V इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने। V मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टाएं हैं और समेशन का मतलब है योग पर या बीजगणितीय योग। फिर आगे क्या है, इसके सेकेंड रूप क्या है इसका, यानी कि ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख सकते, दोनों में से कोई आपको एक चीज लिखनी है। किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग है, उस लूप में सेलों पर उपस्थित जो विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है, उन दोनों के क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात यानी कि प्रतिरोधक, यानी कि प्रतिरोधकों का मतलब है R पर वोल्टाओं का पतन, V का मतलब क्या हो गया, IR, वोल्टा पतन का मतलब क्या होता है, IR। तो समेशन IR इज इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहां पर क्या है, विद्युत वाहक बल, यानी कि परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हैं उन सब सेलों का विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होगा उस पर प्रतिरोधक जो लगे हैं उन पर वोल्टाओं के बीजगणितीय योग के बराबर, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक दो बार आप इनकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, यानी कि उसमें ऊर्जा का क्या होता है, संचय होता है। अब देखें इसके बाद में हम इनको एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, यानी कि जब तक फिजिक्स में डायग्राम नहीं बनता है तब तक आपको कम समझ में आता है और डायग्राम समझने के पश्चात आपको प्रत्येक चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास में कोई बंद परिपथ इस प्रकार से है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लिया, इसका प्लस माइनस और इसका विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन बल। यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध संयोजित कर दिया, इस प्रतिरोध को मैंने नाम दे दिया R1 और इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको मैंने नाम दे दिया I1। यहां पर मैंने एक अन्य बैटरी ले ली प्लस माइनस और यहां पर एक अन्य प्रतिरोध संयोजित कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया R2 और इस प्रकार से ये दोनों वायर इधर से कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे और आपको एक वायर संयोजित करना है, यहां पर हम एक प्रतिरोध मान लेते हैं R3, ये आपका प्रतिरोध R3 और इस सेल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है, I2 है। ठीक है, अब ये वाली धारा I1 यहाँ इस संधि पर आ रही है और ये I2 भी इस संधि पर आ रही है, यानी इस संधि को हम नाम दे रहे हैं A। तो संधि A पर आने वाली धाराएं कौन कौन सी, I1 और I2। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कभी भी कि I3 भी इधर जा रही है, यहाँ पर हमको एक अन्य धारा मान लें I3, वो भी हम ऐसे मान लें कि इधर जा रही है, तो सब इधर जा रही है तो फिर निकलेंगे किधर, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपके पास एक पाइप ये है, ये तीन पाइप इस प्रकार से जुड़े हैं और तीनों ही पाइपों में पानी आ रहा है, तो पानी जाएगा किधर। ठीक है, जाने के लिए भी तो एक रास्ता होना चाहिए ना। ठीक है, ये तो जाने के लिए आपको एक अन्य तार लगाना पड़ेगा या फिर कोई अन्य पाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही मान रहे हैं कि ये दो धाराएं इस संधि पर आ रही हैं और
ये एक धारा है आई थ्री इधर इस प्रकार से जा रही है। तो यहां से लेकर अब यहां तक जो धारा प्रवाहित होगी बिंदु बी तक, उसका मान क्या होगा? आई थ्री ही होगा, क्योंकि बीच में कोई अन्य तार या अन्य शाखा नहीं है। ठीक है, अब इधर ये जो आई थ्री धारा बिंदु डी पर आई पहुंची, पहुंचने के पश्चात ये ऊपरी की तरफ चली गई। ऊपरी की तरफ कितनी जाएगी? आई वन ही जाएगी, जितनी इसमें है पहले से, ये आई वन। और इधर कितनी जाएगी? इधर कितनी है? आई टू। इस प्रकार से आपको ये धाराओं का वितरण करना है। ठीक है, तो इस लूप, अब आपको इस डायग्राम में समझना क्या है कि सबसे पहले हम लूप देखेंगे कि इस परिपथ में कितने लूप बन रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज है वो यही है कि लूप को डिफाइन करना, कि हम लूप किस प्रकार से डिफाइन करें। ठीक है, तो लूप का मतलब है कि आपके पास में एक ये बंद परिपथ बन रहा है, तो लूप एक हो गया, दूसरा लूप ये हो गया नीचे वाला, आपके पास में दो लूप बन गए। ठीक है, आपके पास में कितने बन गए? दो लूप बन गए। अब कुछ बच्चों का ऐसे भी दिमाग चल रहा होगा कि सर एक बाहर वाला पूरा ऐसे भी बन गया, तीन लूप हो गए, तो ऐसे आपको लूप नहीं मानना है। यानी कि एक बार जो, जैसे कि ये वाली शाखा एक बार काम आ गई, फिर ये काम आ गई। ठीक है, तो अब इन दोनों को, ये दोनों काम आ गई, तो अब दोनों को मैं एक साथ यूज नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी काम आ रही है, ये भी काम आ गई, लूप एक और दो में ये और ये दोनों काम आ गई। ठीक है, तो दोनों का यूज हो गया, तो अब कोई एक नई शाखा हमारे पास में कोई बची नहीं है लूप बनाने के लिए, इसलिए इसको हम लूप नहीं बना सकते। ठीक है, तो लूप बनाने का तरीका यही है कि सबसे शॉर्टेस्ट जो परिपथ होगा वही आपका लूप बनेगा। तो सिंपल बात है, आपको कितने डब्बे दिख रहे हैं उतने लूप होंगे, जितने आपको इसमें बॉक्स दिख रहे हैं उतने ही क्या होंगे? लूप होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको लूप में क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये डेफिनेशन लिख लें, याद भी कर लेना अभी। ठीक है, अब आपको इस लूप में चलना पड़ेगा, और ये चलना ही महत्वपूर्ण है। समझने वाली बात बस यही है, ये सब बातें आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कुछ समझने वाली बात नहीं है डेफिनेशन वगैरह में। बट अब आपको जो बात है चलने वाली, वही बात आपको क्या करनी है? समझनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें, आपके पास में कोई एक प्रतिरोध है, ये आर, और इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है आई। दूसरा प्रतिरोध है ये, इसमें हम मान लें कि धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे ही हो रही है आई, और ये भी प्रतिरोध आर। दूसरा मान लें कि हमारे पास में एक बैटरी है, प्लस माइनस इसका विद्युत भाव एप्सिलॉन है, और इसका विद्युत भाव एप्सिलॉन है। अब समझने वाली बात क्या है कि इस प्रतिरोध पर हमें चलना है, चलकर जाना है। इस प्रतिरोध पर हमें क्या करना है? चलकर जाना है। ठीक है, हम कैसे चलकर जा सकते हैं वो देखें आप। एक तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, चलने की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये है चलना, चलने की डायरेक्शन ये है। तब यहां पर जो v का मान होगा, यानी कि v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर। तो यहां पर जो v इज इक्वल टू आई आर का मान होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर हम इस प्रकार से चल रहे हैं, यानी चलना अपना ये है, यानी कि धारा ऐसे जा रही है और हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। तो धारा के विपरीत चल रहे हैं, तब अपना जो ये आईआर का मान होगा वो हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, यहां पर चलना इस प्रकार से है, चलना। अब चलना क्या, वो डायग्राम में दोबारा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलना यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं, तब जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसमें चलना ऐसे, चलना ऐसे, यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तब आपकी जो ये विद्युत बल होगा वो हम क्या लेंगे? माइनस का लेंगे। यानी कि आपको ये देखना है कि हम बैटरी पर प्लस से माइनस चले, तो लास्ट में क्या है? माइनस। तो विद्युत बल आपको क्या लेना? माइनस का लेना है। ठीक है, अब इसमें हम चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस चले, लास्ट में क्या है? प्लस है, तो एप्सिलॉन किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आर पर यदि हम धारा की दिशा में चले हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर का मान क्या लेना है? पॉजिटिव। और यदि हम धारा की विपरीत दिशा में चले हैं, तो आपको V इज इक्वल टू आई आर का मान क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपने नोट्स है उनमें बना लीजिए इसको भी। ठीक है, मिटाओ इसको। अब ये चलना फिरना उस डायग्राम में आपको देखना है कि किस प्रकार से चलना फिरना है, अब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है कि संधि कितनी बन रही है। इसमें संधि दो बन रही है, एक तो संधि ए है और एक संधि बी है। दोनों में से कोई आपको एक संधि लेनी है, दोनों संधि का मतलब एक ही है, तो हम ले रहे हैं संधि ए पर। यानी इस डायग्राम को हल करना है, संधि ए पर किरचॉफ या किरकॉफ किरचॉफ
या किरकोफ या किरचोफ एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मतलब एक है। किरचोफ के खर्तम नियम से, खर्तम नियम से, तो किरचोफ के प्रथम नियम से संधि है, पर किरचोफ के प्रथम नियम से यानी कि आने वाली दहाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि आई वन, ऐसे लिखा हुआ है आई को, तो ऐसे ही आप लिखें आई वन प्लस आई टू, ये तो आने वाली धाराएं हैं। इनका मान किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, यानी कि आई थ्री के बराबर, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए वन, ठीक है। लूप एक में अब जो मेन चीज है वो ये है, लूप एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर, इसका मतलब यह है कि आपको अब इस लूप में क्या होगा, चलना पड़ेगा। तो हम ऐसे चलें या ऐसे चलें अपनी मर्जी है, हम दोनों ही तरीके से चल सकते हैं, कोई बात नहीं है कि आपको इस दिशा में चलना, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो हम इस लूप में इस प्रकार से चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे, ठीक है, और इस लूप में भी हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो लूप एक में चलने की डायरेक्शन ये है, तो पहले पहले आप देखो हम यहां से चल रहे हैं, इस सिरे से चल रहे हैं, इस सिरे पे क्या है आपका प्रतिरोध है आर, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें, आई वन प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टा वी का मान क्या हो गया आई आर, तो ये आई आर के अनुसार ये तो आई वन, प्रतिरोध कितना है आर वन। फिर क्या आई बैटरी, तो बैटरी को एक बार आप छोड़ दीजिए, फिर बैटरी छोड़ दीजिए, फिर आपका प्रतिरोध आया और फिर पुनः आप यहां पर आ गए, आपको एक चक्कर लगाना है ऐसे चलकर, एक पूरा चक्कर लगाना, पहले आपको प्रतिरोध देखने है, ओनली आर आर देखना है, ठीक है। तो चलें कुछ, आप बैटरी आई ए पर गए, फिर बैटरी आई, फिर आर टू पे गए, तो आर टू पे देखो धारा तो ऐसे आ रही है, धारा तो ऐसे आ रही है और हम क्या जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो चिन्ह यहां पर किसका लगेगा, माइनस का, और धारा कितनी है आई टू, प्रतिरोध कितना है आर टू इज इक्वल टू, अब आपको चलना है सेल पे, अब दोबारा एक चक्र लगाना आपको सेल को ध्यान में रखते हुए, तो सेल पे चले माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो ये एप्सिलॉन वन किसका हो गया, प्लस का, तो एप्सिलॉन वन, फिर हम चले ए पर आए, ए पर आने के साथ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस गए, तो ये जो सेल है उसका विद्युत आवेश मान लेते हैं एप्सिलॉन टू, तो एप्सिलॉन टू किसका हो गया माइनस, तो माइनस एप्सिलॉन टू, इक्वेशन टू डाल दीजिए, ठीक है। फिर लूप दो के लिए यही बात, लूप दो में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, तो दोबारा आपको चल रहे हैं कोई भी इस तरीके से चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, बी से चले, बी से चलकर इस प्रकार से पुनः आपको कहां तक आना है, बी तक आना है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे चले, तो इस प्रतिरोध आर टू पर ऐसे हम जा रहे हैं, तो धारा भी ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें उभरता का मान कितना हो जाएगा I2 R2, और वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर चले सेल आ गया, इसको एक बार छोड़े, फिर चले, फिर आपका प्रतिरोध आ गया, तो प्रतिरोध पर हम ऐसे जा रहे हैं और धारा भी इसमें I3 है वो ऐसे ही जा रही है, तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो वोल्टा का मान कितना हो गया, तो प्लस का चिन्ह लेंगे, धारा की दिशा में है तो वोल्टा कितनी होगी I3 और ये R3, फिर बराबर का साइन, बराबर के साइन के पश्चात हमें क्या लिखना है, सेलों के विद्युत बलों के मान लिखने होते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा 20 से चले, तो 20 से चले माइनस से प्लस, और कोई सेल है नहीं, एक ही सेल है, तो माइनस से प्लस चले, तो लास्ट में चिन्ह किसका आया, प्लस का आया, तो एप्सिलॉन टू किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, ये एप्सिलॉन टू, इक्वेशन डाल दीजिए इसको थ्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीन इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशनों को सरल करना है, यहां पर आपको आई वन आई टू और आई थ्री का मान ज्ञात करना होता है इन इक्वेशनों की सहायता से, जो कि आपने इक्वेशन 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है। बीजगणितीय समीकरण आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप उसके आधार पर आप इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इन पे इनकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एप्सिलॉन वन आई वन आर वन, ठीक है, इनके कुछ मान नहीं है, ठीक है। इस पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इस पर आधारित, और उस न्यूमेरिकल में आपको ये किस प्रकार से हल करेंगे उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, वैसे आपको इसमें कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, बट आपका जो कार्य है वो फिजिक्स में यही है कि आपको पहले लूप डिफाइन करना, लूप डिफाइन करने के पश्चात में आपको इस प्रकार से ये समीकरण बनाना, ये समीकरण बनाने के पश्चात आपकी यहाँ से गणित स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर फिजिक्स का रोल नहीं है,
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बार आप इसको, मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को आप दो बार देखें, कम से कम इस वीडियो को दो बार देखें। यदि आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वास्तव में आप इस वीडियो को दो बार देखोगे तो क्लियरली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और न्यूमेरिकल मेरे बिना समझाए ही आप इसके कर सकते हो, ठीक है। इतना मुझे भरोसा आप है। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, उसको भी आप देखना न छोड़ें। और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आता है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है दो नंबर का, और इसके बाद में जो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो 101% आएगा दो नंबर का, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।